अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जौहर मोड़ पर और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर सकते हैं? रमज़ान का महीना है, इफ्तार का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर इफ्तार हो रही है रुमान रईस खान फाउंडेशन की तरफ से। रुमान रईस खान हमारे नेक्स्ट लेवल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो कि स्लो डिलीवरी बहुत बेहतरीन करते हैं। मैं उनकी उस स्लो डिलीवरी का फ़ैन हूँ और मैं उस चीज़ का फ़ैन हूँ जो आउट करने के बाद जो है यूँ होकर मुस्कुराते हैं। आई डोंट नो, उन्होंने आजकल काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अगले T20 वर्ल्ड कप में या एशिया कप में रुमान रईस भाई जो है विराट कोहली को बोल्ड करें और फिर यूँ खड़े हुए। मेरी ख्वाहिश है। खैर, तो यहाँ पर इफ्तारी चल रही है रुमान रईस खान फाउंडेशन के अंडर और देखते हैं भाई क्या सिचुएशन है। मेरे साथ अवैध यहाँ पर मौजूद है, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, एक तरह से वॉलंटियर भी है। इससे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। तुमने एक वाकया मुझे सुनाया था, वो अभी सुनाओ जो बहुत दानियल भाई बहुत क्लियर सिचुएशंस यहाँ हम देखते हैं। वो सिचुएशन ये है कि जब यहाँ खाना लग जाता है ना, एक भीड़ है, एक भीड़ में अगर आप फोकस करें, मैं एज एन इन्फ्लुएंसर एक सोशल मीडिया होस्ट लोगों में फोकस करता हूँ, आपको जब आप फोकस करेंगे तो आपको सफ़ेद पोश लोग मिलेंगे। एक कहानी है, मैं हमेशा हर बंदे को वो कोट करता हूँ। यहाँ एक बंदा था, अपनी बेगम अपने बच्चे के साथ बाइक पर आया था, उसका बच्चा तकिए पे बाइक के हैंडल पे सर रख के सो रहा था और वो अपनी बेगम के साथ फुटपाथ पे छुप के थाल के साथ बिरयानी खा। तो सच्चाई ये है कि यहाँ आने वाला सफ़ेदपोश है, किसी से किसी का मसला, किसी की जात, आए चुपचाप खाना ले चला जाए। किस मतलब यार, हमारा काम ये है ना कि भूखे का पेट भर जाए बस, इससे ज़्यादा और कुछ। कितनी अच्छी बात है भाई, हालात बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत हो गई है, आम आवाम के बस में नहीं है कि अपने हाथों से खुद खरीद कर कुछ खा सकें। लेकिन सुना ये कि हुकूमत चेंज हो गई है तो पेट्रोल फ्री मिलेगा, खाना पीना फ्री मिलेगा, लेकिन खैर ये तो मजाक की बात है। सच ये है कि हालत बुरी है। अगर आप इस्तात रखते हैं, आपकी कोई हैसियत है, अल्लाह ने आपको दिया है, तो अपने पास से ज़कात के अलावा जो भी फितरा हो, जो भी कुछ निकाल सकें, सदका हो या जो भी हो, जिस तरह के पैसे आप निकाल सकें, ये एक तरह से अल्लाह के साथ ट्रेड है, एक तरह से तिजारत है और ये सबसे अच्छी तिजारत है मेरी नज़र में, मेरे तजुर्बे की नज़र में। भाई मैं ऐसे सवाल पूछेंगे, आज इफ्तारी में क्या है? भाई हमने अभी पता किया है कि आज हमारे पास जो है इफ्तारी में वो है चिकन कढ़ाई और अचारी कढ़ाई। भाई इफ्तार का टाइम होने वाला है और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि भाई इफ्तारी लोगों के पास पहुँचाई जा रही है, यहाँ के जो इनकी फाउंडेशन के रज़ाकार हैं सारे वो काम में लगे हुए हैं और लोगों के पास उनकी इफ्तारी पहुँच रही है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई लोग यहाँ पर अफ़दारी करवा रहे होते हैं, इस तरह का नेक काम कर रहे होते हैं, तो हमारा भी दिल करता है यार इस तरह के काम में हाथ बटाया जाए, तो हम बस इसी काम में लगेंगे, थोड़ा सा वो काम भी करेंगे। बेसिकली सिंपल है बड़ा यार, लोगों की खिदमत करनी है। सोशल वर्क तो चलता रहेगा, लेकिन जो मेरी अपनी फाउंडेशन का, हमारे सारे तमाम लोगों का जो एक प्लान है वो ये, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हूँ, मेरा एक स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, मैं चाहता हूँ कि यार जो बच्चे कल के हमारे फ्यूचर है ना, उनको ऐसी फैसिलिटेशन मिले कि वो अपनी बेसिक एजुकेशन भी उस इदारे से लें, स्पोर्ट्स की सारी तैयारियाँ भी वो वहीं से करें, उनको घूमने भी मिले। क्योंकि नॉर्मली ये क्या होता है हमारे यहाँ कि जो बच्चा टैलेंटेड होता है, लेकिन उसके घर के वसाइल उसको इजाज़त नहीं देते कि वो खेल भी सके और पढ़ भी सके। या तो वो बेचारा किसी पंचर की दुकान पर बैठा होगा, या वो कोई मजदूरी कर रहा होगा, ना वो पढ़ने का रहता है ना वो खेलने का रहता है। क्यों? क्योंकि उसके हालात टाइट होते हैं, उसको पहले से बता दिया था 8 साल की उम्र से बेटा तुमने कमाना है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसा इदारा बना दें कि वो बच्चा वहाँ के अपनी फैसिलिटी यूज़ करे और उसकी फैमिली को हम टेक केयर करें कि आपने अपने खाने पीने के मामले को बिल्कुल फिक्र नहीं करना, हाँ उन्हें बच्चे को अपना टैलेंट यूटिलाइज़ करने दें। मेरी भी बात चल रही है 3-4 जगहों पर, वो ये बात चल रही है कि मुझे 4 से 5 एकड़ की ज़मीन चाहिए, जैसे GFS बिल्डर वाले ने मेरे से भी बात की है, उनका मीटिंग करते हैं बैठ के इस मामले में, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, काम अच्छा है। एजुकेशन पर्पज़ पे मैं कम्प्लीटली नहीं जा सकता कि मैं किसी को डिग्रियाँ दिलाऊं, लेकिन मैं किसी को बेसिक एजुकेशन देकर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसको नो हाउ हो कि हमने पब्लिक से डील कैसे करना है। मैंने अवेयरनेस नहीं है नानिल भाई हमारे यहाँ लोगों को? बिल्कुल है यार, ज़रूरी है। देखिए हमें नहीं पता था जब हम PSL 1 में गए कि हमारी डाइट रूटीन क्या होनी चाहिए, हमारे डिसिप्लिन क्या होने चाहिए, हमें ट्रेनिंग घंटे में पूरे दिन में कितनी करनी चाहिए। ऐसे प्रोफेशनल क्रिकेटर 5 साल मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब एक कम्पेटिटिव टूर्नामेंट खेलने गए और वहाँ पे जब ओवरसीज लोगों से मिले तो हमें पता चला कि यार ये क्या है। सर पूरे पाकिस्तान में इंडोर अकेडमी नहीं है और पूरे वर्ल्ड में इंडोर अकेडमी का वर्ल्ड कप होता है और पाकिस्तान की टीम नहीं होती वहाँ। तो हमने ये भी प्लान किया हुआ है, बात की है हमने लोगों से कि हमें एक इंडोर अकेडमी के लिए भी जगह चाहिए, ताकि हमारे जो इंडोर अकेडमी के प्लेयर, और इंडोर अकेडमी में प्लेयर कौन खेलता है, जो टेप बॉल खेल रहा था स्ट्रीट, तो उनको यार एक कम्पेटिटिव टूर्नामेंट मिलना चाहिए ना, दुनिया में जाके एक्सपोजर मिलना चाहिए कि यार टेप बॉल हर बॉल, यार आप हर गली में चले जाएं, हर गली में टेप बॉल हो रही है। 2 साल हो गए माशाल्लाह, 2019 में जब पेंडेमिक शुरू हुआ था अपनी मदद आप शुरू की थी, हमने सारे लड़कों ने मिलके कि कुछ पैसे जमा करके यार लोगों को राशन पहुँचा देते हैं, लेकिन जब वो सराउंडिंग पता चला यार सबके हालात बुरे हैं,
तो फिर फेसबुक पर डालना शुरू किया हमने, कहा एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, एक पेज बना देते हैं, ताकि अगर किसी को भी कोई रिक्वेस्ट देनी होगी तो वो आए और रिक्वेस्ट हमें पता चल जाएगा कि भाई इसको डिमांड है किसी चीज़ की, राशन की या व्हाटएवर किसी चीज़ की भी, तो वो एक प्लेटफॉर्म बना, उस पर लाइकिंग आना शुरू होगा। जैसे पता है आपको, कोई भी एक नया बंदा कोई वीडियो बनाता है तो उसकी अगर एकदम प्रमोशन हो जाती है, जो हिट हो जाती है, तो फौरन लोगों को पता चल जाता है, तो सीधा लोगों को पता चला। फिर जफर भाई ने बड़ा साथ दिया इस चीज़ में हमें, कि जफर भाई ने हमें कहा कि रोमान भाई आप एक वो पर्सनैलिटी हो कि आपके पीछे लोग खड़े हो सकते हैं, आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना यार आप आओ और इस काम को अपना फाउंडेशन का नाम दो और उसको आप लेके चलो। स्टार्ट हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह पाक का उसमें आपकी नीयत अच्छी होगी तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। यार मैं ये कहता हूँ दानियल भाई, मेरी इस्तेदात अगर एक बंदे की मदद करने की ना तो मैं वो भी करूँ, मैं पीछे ना हटूँ, शर्म नहीं है यार। हमारे पास रक्शे वाला आता है, अपनी इस्तेदात के मुताबिक 50 रुपये डोनेशन बॉक्स में डाल के जाता है, हमें खुशी होती है, हमें उस 50,000 से ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो बेचारा जिसको अवेयरनेस नहीं है वो यहाँ पे देख रहा है माहौल कि किस लेवल का काम हो रहा है, वो खुश होकर जा रहा है, वो पेट भर के जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की थी कि हम अफ्तारी से शुरू करेंगे, लेकिन हमें ऐसा एहसास हुआ कि अफ्तारी से लोगों का पेट नहीं भरता, दो समोसे दो रोल से किसी का पेट नहीं भरता, तो हमने शुरू ये किया कि हमने खाना खिलाना शुरू किया, खाना खाओ पेट भर के जाओ, ताकि तुम्हें फिर सहरी करने को मिले, बीच में कोई रास्ता तुम्हारे पास ये ना हो कि यार भूख लग रही। और हमें कोशिश करते हैं जो खाना हमारा बचता है हम उसी लोगों में से फैमिलीज को भी के रुकती हैं, ना इसमें सदका है ना ज़कात है ना खैरात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं आप बैठ के भी यहाँ पे अफ्तारी कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट। मैं दानियल भाई से ये बात कह रहा था कि ये जो इनका स्टार्ट है ना, ये अपनी जाती चीज़ों को जिसे कहते हैं ना ऑक्शन करके नीलाम करके स्टार्ट हुआ था। इस एनजीओ का स्टार्ट ऐसे नहीं हुआ कि रोमान रईस बहुत मालदार आदमी था तो रोमान रईस ने क्या किया, रोमान रईस ने बाकी फाउंडेशन की तरह बोला मैं 50,00,000 रुपये दे रहा हूँ और कल से हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। नहीं, जब कोविड की सिचुएशन आई, लोग रोडों पर आ गए, लोग मतलब भूख की एक आलम था, तो रोमान रईस ने सोचा कि यार जो मेरी चैंपियंस ट्रॉफी की चीज़ें थी, जो मेरी PSL की चीज़ें, मैं उसको ऑक्शन करता हूँ, अपनी कैप अपनी शर्ट अपनी बॉल अपना बैट ऑक्शन किया, 15 से 20 लाख रुपए वो अमाउंट आया, उससे राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की। और वही वाली बात है ना कि नीयत साफ मंजिल आसान। कहते हैं कि रोमान रईस जो है वो डॉलर से रईस नहीं है, दिल का रईस है। खूबसूरत बात है। क्या कहते हैं